म्यूजिक शरीफ बन के रहोगे तो ये दुनिया तुम्हें बदनाम करेगी। एक बार हरामी बन के देखो, ये पापा की परियां भी तुम्हें सलाम करेंगी। ओके गाइस, तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हो अब लोग बढ़िया होंगे। गाइस अब भी कुछ इस प्रकार का एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना, और गाइस आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। गाइस कुछ इस प्रकार का एडिटिंग करने के लिए एलाइट मोशन ऐप की जरूरत है आपको, बस एलाइट मोशन ऐप नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एलाइट मोशन ऐप का लिंक दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर गाइस और एक रास्ता है, आपको सिंपली क्रोम ब्राउज़र में जा सकते हैं, वहाँ से एलाइट मोशन मोड एपीके सर्च करते हैं और जो लिंक आएगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए गाइस बढ़ते हैं लिंक की तरफ। यहाँ पर आपको पहले एलाइट मोशन आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको प्लस आइकन पर क्लिक करके नाइस टू 16 साइज पर क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ फोटो को यहाँ से एडिट कर लेना है। प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और जिस फोल्डर पर आपको फोटो उस फोल्डर को यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एक फोटो यहाँ से लेना है, फिर आपको थ्री डॉट पर जाकर फिर कंपोजिंग एरिया कर लेना है। एरिया करने के बाद इस शेयर अकाउंट पर क्लिक करके करंट फ्रेम में पीएनजी पे एक्सपोर्ट कर देना है। तो गाइस यहाँ पर आप जितने भी फोटो आप यूज़ करेंगे, मतलब यहाँ से आपको तीन फोटो यहाँ से यूज़ करना है, फिर आपको इस तीन फोटो को आपको सिंपली इस तरह का से आपको 9x16 साइज से कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर सेम तरीके से मैं तीन फोटो को जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है, फिर आपको यहाँ से सेव कर लेना है, फिर आपको क्लोज कर देना है, इस फोटो को डिलीट कर देना है। आपको सेम तरीके से यहाँ पर और एक फ़ोटो लेना है, फिर ऊपर थ्री डॉट पे जाकर फिर कंपोजिंग एरिया कर लेना है। इसको मैं थोड़ा साइड करता हूँ, फिर मिडिल में आएगा ये फ़ोटो। करने के बाद आपको शेयर अकाउंट पे क्लिक करके करंट फ्रेम में स्पिन पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना है। तो गाइस यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है, फिर आपको सेव कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर मैंने तीन फोटो एक्सपोर्ट कर लिया, फिर आपको बैक करके प्रोजेक्ट पे चले आना है, इसको आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद इफेक्ट और सॉन्ग बिटमार्क इस दोनों को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एलाइट मोशन पे इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करने के बाद आपको सॉन्ग बिटमार्क पे यहाँ पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पर लेयर है, लेयर दिखेगा और ये जो आपको ये एक्सपोर्ट करने पर आपको ये मिल जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ फोटो ऐड करना है। तो फोटो कैसे ऐड करना है, यहाँ पर आपको एडिट और बॉडी व्यवहार लिख रहा है, इस पर आपको टैप करना है, फिर कलर एंड फिल पे आना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट मीडिया पर जाना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एलाइन मोशन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जितने सारी फोटो एक्सपोर्ट किए हो सभी को मिलेगा। फिर आपको यहाँ से एक फोटो लेना है, अपने अकाउंट पर क्लिक करके यहाँ से आपको ऐड कर लेना है। तो ऐसे बहुत ही सिंपल से देखिए यहाँ पर फोटो ऐड हो गया। तो इतना ही, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर चले आ जाना है, यहाँ पर अगर 11 सेकंड पर आपका आ जाना है। यहाँ पर आपको फोटो टू लेना है, फिर आपको यहाँ पर लेयर पर टैप करना है, कलर फिल पे आना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक फ़ोटो आपको लेना है और प्लगइन पर क्लिक करके ऐड कर देना है। तो गाइस बहुत ही सिंपल से यहाँ पर ऐड करना है, सेम तरीके से आपको दो लेयर में एक ही फ़ोटो ऐड करना है। तो गाइस सेम देखिए मैं एक ही फ़ोटो यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर देखिए डबल बिटमार्क है, यहाँ से आपको फोटो चेंज करना होगा। तो गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल बिटमार्क था, मैंने फोटो चेंज किया, फिर यहाँ पर देखिए डबल बिटमार्क है, तो यहाँ से आपको फोटो चेंज करना होगा। तो सेम तरीके से आपको कलर एंड फिल पे आना है, फिर आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है, आपको एक फ़ोटो लेना है और प्लस आइकन पर क्लिक करके ऐड कर देना है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको अब ध्यान से देखिएगा आपको सभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जितने सारे लेयर हैं आपको एक ही फ़ोटो यहाँ पर ऐड होगा, डबल बिटमार्क जहाँ है वहाँ से आपको फ़ोटो चेंज करना होगा। तो यहाँ पर अगले बार कहीं डबल बिटमार्क नहीं है तो मैं एक ही फ़ोटो यहाँ से ऐड करूँगा। और गाइस एक बार फ़ोटो ऐड होगा, यहाँ पर जितने सारे लेयर है फ़ोटो ऐड हो गया। तो गाइस इतना करने के बाद आपको ऐसे बैक लेना है, बैक जाने के बाद आपको इफेक्ट इसका भी लेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये इतना करने के बाद डबल डॉट आइकन पर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल लेयर कर देना है और लास्ट जो फोटो उसको अनटिक करना है क्योंकि वो ऐड नहीं करना है। फिर इस आइकन पर क्लिक करके कॉपी एड लेयर पर क्लिक करके आपको बैक चले जाना है और यहाँ पर सॉन्ग बिटमार्क पे आपको उस एड लेयर को यहाँ से पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपको इस आइकन पर क्लिक करके पेस्ट एड लेयर कर देना है। पेस्ट एड लेयर करने के बाद आपको उस एड लेयर को यहाँ से आपको लॉन्ग प्रेस कर देना है, लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट कर देना है और ये आठ लेयर को करने के बाद आपको इस आइकन पर क्लिक करके वीडियो को एंड तक ले आना है। तो गाइस जितना करने के बाद आपको और एक बार वीडियो को फास्ट में आ जाना है और प्ले आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद आपको एक बॉर्डर पीएनजी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया,
अब वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ से आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर बॉर्डर बीएनजी का लिंक मैं ऐड करूँगा, यहाँ पर ये। फिर आपको इस डबल आइकन पे, सॉरी इस थ्री डॉट पे क्लिक करके फिर कंपोज एरिया करके वीडियो को इंड तक ले आना है। तो गाइस इतना करने के बाद आपको वीडियो रेडी हो गया। तो एक्सपोर्ट करने के लिए सीआर अकाउंट पे क्लिक करना है और वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक गाइस, और गाइस आप हमारे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक कमेंट भी कर दीजिए। चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।